हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्वेल्थ क्लास आरबीसी बोर्ड मॉडल पेपर 2022 हम आज से शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक तरफ हम चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और दूसरी तरफ जो मॉडल पेपर है वो भी हम साथ में इस चैनल के माध्यम से लेकर के आ रहे हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और साथ में जो सीबीएसई बोर्ड का पिछले साल के जो पेपर हैं उनमें से भी ऐसे क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो कि आपके आरबीसी बोर्ड में आने की संभावना है, क्योंकि हमें पता है कि जो एग्जामिनर होता है ये क्या करेगा, सीबीएसई बोर्ड के भी पेपर उठाएगा और उसमें से भी क्वेश्चन ये देखेंगे, क्योंकि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उठा के वहाँ से सीधा हमारे आरबीसी बोर्ड में पेपर में डाल देगा, तो वो क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपको मॉडल पेपर और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो भी मिलने वाले हैं, जिससे कि आपको 25 मार्च से जो आपका बोर्ड का एग्जाम होना है उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे अति लघुतरात्मक रहेंगे और कुछ क्वेश्चन है जो लघुतरात्मक रहेंगे और अंत में दो या तीन क्वेश्चन हमारे बड़े क्वेश्चन रहेंगे निबंधनात्मक। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी जीवन अवधि सर्वाधिक होती है? ऑप्शन फर्स्ट है कछुआ, सेकंड है बरगद, थर्ड है तोता और फोर्थ है तितली। तो इनमें से आपको जितने भी दे रखे हैं उनकी जीवन अवधि थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, सबसे कम किसकी होती है और सबसे ज़्यादा किसकी होती है। अब देखो, कछुए की जो होती है, कछुए की जीवन अवधि होती है 150 से लगभग 220 वर्ष होती है। बरगद की होती है 300 से 400 वर्ष, तोते की 140 वर्ष होती है और तितली की 1 से 2 सप्ताह होती है, 1 से 2 दिन भी हो सकती है। तो इसमें देखो, सर्वाधिक जीवन अवधि बरगद की होती है, सबसे कम किसकी होती है, तितली की। तो ये हमें ध्यान में रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, शकरगंध व डहेलिया में कायिक जनन होता है, किस प्रकार का कायिक जनन होता है, किससे होता है? ऑप्शन फर्स्ट है पत्तियों द्वारा, सेकंड है पुष्पों द्वारा, थर्ड है जड़ों द्वारा और फोर्थ है तनों द्वारा। तो शकरगंध और डहेलिया में किसके द्वारा कायिक जनन होता है? जड़ों के द्वारा कायिक जनन होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति होती है, अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है वो किस प्रकार की होती है? ऑप्शन फर्स्ट है आकार व आनुवंशिक रूप से एक समान, सेकेंड है आकार व आनुवंशिक रूप से असमान या भिन्न, थर्ड है दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखो, अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है वो बिल्कुल ही पैतृक के आकार और आनुवंशिक रूप से समान होती है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। निम्न में से द्विव विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है? बाइनरी फ्यूजन, द्विव विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है? ऑप्शन फर्स्ट है अमीबा, सेकंड है पैरामीशियम, थर्ड है दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में ही द्विव विखंडन द्वारा जनन होता है, ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दोनों युग्मक, यदि दोनों युग्मक आकार और आकृति में एक समान है तो किस प्रकार का जनन होगा? ऑप्शन फर्स्ट है विषम युग्मकी, सेकंड है सम युग्मकी, थर्ड है असम युग्मकी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखो, यदि दोनों युग्मक आकार और आकृति में एक समान है तो किस प्रकार का जनन होगा? सम युग्मकी प्रकार का जनन होगा, आइसोगेमस प्रकार का जनन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से गुणसूत्रों की संख्या से संबंधित असत्य कथन है, गुणसूत्रों की संख्या से संबंधित। ऑप्शन फर्स्ट है तितली, ये द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या दे रखी है यहाँ पर 380, घरेलू मक्खी में 12 होती है द्विगुणित, ओफियोग्लोसम में 1260 और मनुष्य में 42। तो देखो, यहाँ पर असत्य कथन पूछा, तो मनुष्य में 42 नहीं होती, मनुष्य में 46 होती है, अगुणित 23 हो जाएगी और द्विगुणित 46 46 हो जाएगी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जो गुणसूत्र होते हैं 1260 ओफियोग्लोसम में होते हैं। ये 6 क्वेश्चन जो है हमारे ये हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप। अब अति लघुतरात्मक क्वेश्चन में हम बात करें तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? ये तो हमें सभी को आना चाहिए, क्योंकि अपनी जो पीढ़ी है, अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए जीवों के लिए जनन आवश्यक होता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति क्लोन क्यों कहलाती है? तो ये हमने पहले ही बात कर ली है कि अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है वो बिल्कुल अपने पैतृक के आनुवांशिक और आकारिक रूप से समान होती है, और इस प्रकार की जो संरचना होती है, इस प्रकार की जो जीव होते हैं उसे हम क्लोन कहते हैं, बिल्कुल फोटोकॉपी होती है।
अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से कैसे भिन्न होती है? देखो इसी में आपका आंसर मिल जाएगा कि अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है वो आकारिकी और आनुवंशिक रूप से समान होती है, लेकिन लैंगिक जनन से जो संतति मिलती है वो कैसी होती है? आनुवंशिक और आकारिकी रूप से बिल्कुल ही भिन्न होती है। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? देखो कायिक जनन जो होता है ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो हमारा कायिक जनन के अंतर्गत हम बात करें तो हमारे जो पादप होता है उसके जो लैंगिक अंगों को छोड़ करके किसी अन्य एक युग्मक से अगर नई संतति का निर्माण हो रहा तो वो किस प्रकार का जनन हो रहा है? कायिक जनन हो रहा है, जैसे कि जड़ों से, पत्तियों से, किसी शाखा से, इन सभी से जो जनन होता है जिससे नई संतति का निर्माण होता है तो वो कायिक जनन होता है, और यही क्या होता है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, इस कारण इसे प्रारूपिक अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक व अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है तो ये भी हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में तो क्या होता है, दोनों युग्मक आपस में जुड़ते हैं जिससे युग्मनज का निर्माण होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में इस प्रकार का नहीं होता, केवल एक ही युग्मक से क्या होता है, नई संतति का निर्माण हो जाता है। तो दो तीन डिफरेंस है वो हमें ध्यान में रखने, लैंगिक जनन में आनुवंशिक की आकारिक रूप से भिन्न संतति पैदा होती है, अलैंगिक जनन में बिल्कुल पैतृक के समान होती है। प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचाने और लिखी कि वह अगुणित है या द्विगुणित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है और आपके खालिस्तान वगैरह से संबंधित भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट अंडाशय, देखो अंडाशय किस प्रकार का होता है, द्विगुणित होता है, लेकिन अंडाशय में जो अंडाणु पाए जाते हैं वो अगुणित होते हैं। परागकण अगुणित होता है, लेकिन परागकण किस में पाए जाते हैं, परागकोष में, तो परागकोष द्विगुणित होता है। युग्मनज द्विगुणित होता है, लेकिन युग्मनज बनता किसे, एक तो नर युग्मक और एक मादा युग्मक, जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं ये अगुणित होते हैं, ये देखो अगुणित होता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? द्विलिंगी पुष्प क्या है? अपने आसपास के नहीं, पांच द्विलिंगी पुष्पों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। देखो द्विलिंगी पुष्प वो होता है जिसमें मादा और नर दोनों ही लिंग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, वो द्विलिंगी पुष्प होता है। तो हमारे पास देखो सरसों हो सकती है, सरसों के अलावा मूली है, मूली के अलावा गुड़हल है, सेम है, मटर है, इनके वैज्ञानिक नाम आपको आने चाहिए, वो हमें याद रखने हैं। मुकुलुन पर टिप्पणी लिखिए, मुकुलुन यानी कि बडिंग, और ये 2017 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस प्रकार आप इस बार आपके आरबीसी बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है। देखो मुकुलुन द्वारा जनन है एक तो हाइड्रा में होता है, और हाइड्रा के अलावा एक जो हमारा इष्ट है उसमें भी मुकुलुन द्वारा जनन होता है। तो बडिंग जो होती है इसमें क्या होता है, कोई जो हमारा पादप है उससे छोटी सी बड्स निकलती है, वो बड्स धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, बड़ी होकर फिर उसको वो अलग हो जाती है और अलग होकर के नए प्लांट का निर्माण कर लेती है। पौधों में जनन की कितनी विधियां पाई जाती है, प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पौधों में जनन की कितनी विधियां, दो विधियां होती है, अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों का हमें वर्णन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है सीबीएसई बोर्ड में। उत्तक संवर्धन को संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, उत्तक संवर्धन पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। फिलहाल वर्तमान में ये बहुत ही फेमस टेक्निक है, और इसमें क्या होता है, किसी पादप का छोटा सा पार्ट लेकर के उससे सैकड़ों की संख्या में हम पादपों का निर्माण कर सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कायिक जनन किसे कहते हैं? कायिक जनन ये कितने प्रकार का होता है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का वर्णन कीजिए। देखो कायिक जनन किसे कहते हैं, ये हम सभी को बताया है, क्योंकि हमने अभी लास्ट हमारे पेपर आने हैं, तो इस कारण पूरी बुकी हमने अच्छे से पढ़ ली है। तो उस पादप की जो लैंगिक अंगों को छोड़कर के किसी अन्य भाग से जब जनन की क्रिया होती है, नए संतति का निर्माण होता है, तो वो कायिक जनन कहलाता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन, दोनों में से हमें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का इसमें वर्णन करना है। तो इस प्रकार से हमने टोटल 17 क्वेश्चन है वो इसमें देखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, साथ में अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधनात्मक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हमने शामिल किए हैं जो एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखो ये क्वेश्चन मुकुलन वाला, ये वाला और ये तीनों ही क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये हमें थोड़े अच्छे से ध्यान में रखने हैं। और टोटल आपका 56 नंबर का पेपर होगा, और ये हमारा पहला चैप्टर वाइज जो हमारा टेस्ट मॉडल पेपर चल रहे हैं वो है, और इसके साथ में हम मॉडल पेपर भी लेकर के आ रहे हैं। तो आप इस चैनल पर लगातार जुड़े रहिए जिससे कि आपको इनका लाभ मिल सके, धन्यवाद। और इनके आंसर की आपको आवश्यकता पड़े डिटेल से तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं।